मथुरा में पुष्पांजलि व संस्कृति कार्यक्रमों के साथ बनाया गया बसपा संस्थापक मान्यवर काशीराम जी का नवासी व जन्म दिवस। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा द्वारा भारत में राजनीतिक क्रांति के अग्रदूत बामसेफ डी एस चार व बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर काशीराम जी के नवासी वे जन्मोत्सव बुधवार को बड़ी ही धूमधाम के साथ बनाया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों ने बुधवार को बसपा संस्थापक मान्यवर काशीराम जी की जयंती मनाई, उन्हें नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान शहर में चेतना यात्रा निकाली गई। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन ने काशीराम जी के जन्म दिवस पर निजीकरण, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ एवं समान शिक्षा व्यवस्था, जातीय जनगणना के लिए जन चेतना यात्रा का आयोजन किया। संयोजक रमेश सैनी के नेतृत्व में और विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश नूरपुर विधायक राम अवतार सैनी एवं शहर के सभी गणमान्य राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के लोगों द्वारा किया गया सामाजिक न्याय यात्रा मथुरा कृष्णा नगर प्रांगण होकर अम्बेडकर कॉलोनी आजाद नगर मंडी समिति चौराहा महेंद्र नगर द्वारकिश नगर मुख्य मार्ग होती हुई अम्बेडकर भवन इंद्रपुरी कॉलोनी पर सभा के साथ में समापन हुई। सभी लोगों का एक ही नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। हम लोग चाहते हैं कि भारत के सभी लोग राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़े और राष्ट्र की राजनीतिक मुख्यधारा से, सामाजिक मुख्यधारा से, धार्मिक मुख्यधारा से और आर्थिक मुख्यधारा से जुड़े, सबका सर्वांगीण विकास हो, ऐसा हमारे महापुरुषों का लक्ष्य रहा है। उनके सपने को पूरा करने के लिए हम सभी वर्गों के लोग, सभी राजनीतिक दलों के लोग, सभी जातियों के लोग अपने भेदभाव भुला करके उनके सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित है। और नवासी में जन्मोत्सव पर मानवर साहब के वो किसी की बापत ही नहीं है, वो किसी पार्टी विशेष की बापत ही नहीं है, वो एक विचारधारा थे। तो मैं उनके जन्मदिन पर संकल्प लेते हैं, सभी लोगों ने संकल्प लिया है, आपको बधाई हो, मीडिया के बंधुओं को बधाई हो और हमारी बढ़िया तरीके से अखबार में छपाई हो। ठीक, देखिए अखिल भारतीय समता फाउंडेशन 15 वर्ष से लगातार मानवर काशीराम जी का जन्मोत्सव, जो उनकी मानवर काशीराम जी की विचारधारा थी, जिसके लिए वो एससी ओबीसी एसटी के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने सबको एक करने के लिए, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए समता फाउंडेशन द्वारा हम कुछ मांगों को लेकर के, जैसे जातीय जनगणना, समान शिक्षा, देशव्यापी महंगाई, उसको लेकर के आज हम नवासीवें जन्मोत्सव पर एक सामाजिक न्याय यात्रा हम निकाल रहे हैं। और सामाजिक न्याय यात्रा में हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे नूरपुर से विधायक माननीय समाजवादी पार्टी के राम अवतार सैनी जी, हमारे जयपुर से वहाँ से हाथरस से विजय कुमार प्रेमी जी और हमारे जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इस जन्मोत्सव में, मैं उन सभी का समता फाउंडेशन की तरफ से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बार बार धन्यवाद करता हूँ। आज हम अपने युग पुरुष मान्यवर काशीराम जी की जयंती मना रहे हैं। उनका एक नारा था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो बहुजन समाज के लोग हैं उनका शोषण हो रहा है, और जो 70 सालों में भारत के संसाधन इन श्रमिक वर्ग ने इकट्ठे करे थे, इस देश में 90% कमेरा जाती है, 10% लुटेरा जाती है, आज 90% की कमाई को जो है वो बेचा जा रहा है, इन सब लोगों का आरक्षण खत्म करा जा रहा है, जो सरकारी प्रतिष्ठान से धीरे धीरे करके सब बेचे जा रहे हैं, जब आज का युवा बेरोजगार होगा, शिक्षा से वंचित होगा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अपनी समुचित हिस्सेदारी लेने के लिए आज एक सांकेतिक रूप से यात्रा निकालने का प्रोग्राम है।